हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। आज मैं आपके सामने जो हमारा कोर्स चल रहा था भारतीय संस्कृति के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के प्रारूप में हम लोग कर रहे थे भारतीय वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड के बारे में, जिसमें हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में फैक्ट्स लर्न कर रहे थे और उसके बारे में पूरी थ्योरी डिटेल में हम लोग देख रहे थे। तो आज इसका पार्ट थ्री मैं लेकर आई हूँ, GS पेपर 1.1। इसका PDF आपको मेरे सक्सेस मंच पेज और टेलीग्राम चैनल दोनों पे मिल जाएगा। और ये जब पार्ट ख़त्म हो जाएगा भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला मृदभांड, उसके बाद लास्ट में PDF मैं दूंगी, क्योंकि एक एक पार्ट का PDF देना मुश्किल होता है। तो लास्ट में ओवरऑल जो पूरा PDF होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लोग GS पेपर 1 और पेपर 4 की यहाँ पूरी तैयारी यहाँ पर UPSC और UPSC मेंस के लिए करवाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम टॉपिक में क्या करेंगे। ये आपने लास्ट टाइम पूरा सिलेबस हमारा रिवाइज कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था वो देख सकते हैं कि मूर्तिकला क्या होती है, वास्तुकला क्या होती है, भारतीय मूर्तिकला और वास्तुकला के बारे में तथ्य, जो जो अलग अलग स्थल हमें मिले उसके बारे में जो मेन फैक्ट्स हैं वो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, पूरा अच्छे से हमने देखा था। तो आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता में जो कलाएं मिली हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिली हैं। जैसे कि हमें मिली है पत्थर की मूर्तियाँ, तो इस टाइप की पत्थर की मूर्तियाँ हमें मिली हैं हड़प्पा सभ्यता में। तो ये जो पत्थर की मूर्तियाँ हैं ये त्रिआयामी वस्तुओं बनाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। त्रिआयामी मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, जैसे कि बॉल होती है या फिर कोई एक जिसको हम उठा सकते हैं अपने हाथ में, जिसका शेप होता है वो होती है हमारी थ्री डायमेंशनल। तो इस टाइप की जैसे मूर्तियाँ हमें मिली हैं, तो 3D मूर्तियाँ हमें मिली हैं। हड़प्पा संस्कृति स्थलों पे जो मूर्तियाँ पाई गई हैं वो संख्या की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, मतलब गिनी चुनी मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन जो कला की दृष्टि से उसमें जो कलात्मक, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मूर्ति बनाई गई इसमें शॉल की कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है, फूल बनाए गए हैं 3 पंखुड़ियों वाले। तो इस टाइप से कला की दृष्टि से बहुत ही उच्च कोटि की हैं ये मूर्तियाँ। 2 यहाँ से पुरुष प्रतिमाएँ मिली हैं, और इन दोनों पुरुष, एक मिला है पुरुष धड़ और दूसरा मिला है दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति। तो पुरुष जो धड़ है वो लाल चूने पत्थर का बना हुआ है, और जो दूसरी दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्ति है ये बहुत ही ज़्यादा मतलब डिवोशनल मूर्ति मानी जाती है, ये धार्मिक व्यक्ति से माना गया है और ये बनी है सेल खड़ी से। और इसने जैसे आप मूर्ति में यहाँ पर आप देख भी सकते हो पूरा, जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बताऊँगी आप मूर्ति से इसे टैली कर सकते हो कि ये जो मूर्ति मिली है ये, इस मूर्ति को साल ओढ़े हुए दिखाया गया है, साल बाएं कंधे से ऊपर से और दाहिनी भुजा के नीचे से यहाँ पर डाली गई है। थोड़ी टूटी फूटी है तो यहाँ ढंग से समझ नहीं आएगा, फिर भी काफ़ी हद तक इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो एग्ज़ाम में आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं अगर मूर्तियों के बारे में हड़प्पा सभ्यता के आया तो डिस्क्रिप्शन लिखते हो तो बड़े अच्छे से आपके मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर। शॉल जो है त्रिफुलिया नमूने से सजी हुई, जैसे कि आपने देखा तीन पंखुड़ियों के फूल बने हैं। आंखें यहाँ पर कुछ लंबी और आधी बंद दिखाई दे रही हैं, मानो वह ये जो पुरुष है वो मेडिटेशन कर रहा है, इस टाइप से यहाँ दिखाई दे रहा है। नाक बहुत सुंदर है और होंठ कुछ आगे निकले हुए और इसमें बीच में एक रेखा बनाई गई है गहरी। दाढ़ी मूछ है, मतलब जो है वो मतलब पूरे ऊपर तक कान तक इसकी दाढ़ी दिखाई गई है, कान सीप जैसे दिखाई दे गए हैं और कान के बीच में छेद भी यहाँ दिखाया गया है। बालों के बीच में एक मांग के द्वारा इसे 2 हिस्सों में बांटा गया है इसके बालों को, और सिर के चारों एक सादा बना हुआ फीता बंधा दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ फीता ये देख सकते हैं। ऐसे ही दाहिनी भुजा पर एक बाजूबंद दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं बाजूबंद यहाँ पर, और गर्दन के चारों ओर छोटे छोटे छेद बने हुए हैं जिससे लगता है कि वह हार पहने हुई है। तो इस टाइप की मूर्ति हमें मिली है हड़प्पा से, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये फैक्ट्स अगर आप अच्छे से इसे लिखते हैं एग्जाम में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि और किस टाइप से हमें चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ जो मिली हैं और जैसे कि कांसे की ढुलाई का काम यहाँ पर होता था, कांसे से को ढाल के मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो बहुत ही बड़े पैमाने पर ये काम होता था। तो इसको कैसे करते थे इसको मैं ब्रीफ में आपको समझा देती हूँ कि कांसे की मूर्तियाँ बनाई कैसे जाती थी। इसको कांसे को ढाल के बनाई जाती थी। इस जैसे कांसे की मूर्तियों को बनाने में सर्वप्रथम मोम की एक प्रतिमा यहाँ बनाई जाती थी, और फिर इसे चिकनी मिट्टी से पूरी तरह लीप कर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था।
और जब वो पूरी तरह से सूख जाती थी तो उसे गर्म किया जाता था और उस मिट्टी के आवरण में एक छोटा सा छेद बनाकर उस छेद के रास्ते सारा मोम पिघला हुआ निकाल दिया जाता था। और इसके बाद चिकनी मिट्टी के इस खाले सांचे में जो था छेद के रास्ते ही जो पिघली हुई धातु है वो भर दी जाती थी। और जब वो धातु ठंडी हो जाती थी, वो ठोस रूप में जम जाती थी, सॉलिड हो जाती थी, तो चिकनी मिट्टी का जो आवरण ऊपर था उसे हटा दिया जाता था और उसके बाद कांसे की ये मूर्ति तैयार हो जाती थी। तो कांसे की जो मूर्ति है वो मनुष्य और जानवर दोनों की ही बनाई गई थी। यहाँ पर मानव मूर्ति बहुत ज़्यादा मिलती है, सर्वोत्तम नमूना मिलता है। एक जो लकड़ी की मूर्ति मिली है जिसे नर्तकी की मूर्ति कहा जाता है, ये जो हमने पिक्चर में भी दिखाया ये एक मानव मूर्ति का, कांसे की मूर्ति का सर्वोत्तम यहाँ उदाहरण है। और यहाँ पर भैंस बकरी इस टाइप की जो विशेष मूर्तियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय है। और इसमें बहुत सारी अगर बात करें तो इसमें तांबे के कुत्ता पाया गया है, पक्षी, हाथी तथा कालीबंगन में सांड की कांसे की मूर्ति, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो कांसे और तांबे की मूर्ति हैं वो इक्वल प्रतीत होती हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनाई गई हैं ये मूर्तियाँ। आगे हम बात करेंगे टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनाई गई मूर्तियाँ। मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाई जा गई थी वो भी हड़प्पा की मूर्तियाँ बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण थी। लेकिन ये जो मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो उतनी अच्छी नहीं बनाई जाती थी जितने की कांसे की और पत्थर की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। मिट्टी की मूर्तियों में कुछ दाढ़ी मूछ वाले पुरुष और कुछ छोटी छोटी मूर्तियाँ, जैसे आप देख सकते हो मिट्टी की मूर्तियाँ, इस टाइप की मूर्तियाँ यहाँ मिली हैं। यहाँ पर एक सींग वाले देवता का मिट्टी का मुखौटा भी यहाँ पर मिला है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे पहियेदार गाड़ियाँ मिली हैं, सीटियाँ मिली हैं, पशु पक्षियों की आकृतियाँ मिली हैं, खेलने के यहाँ पासे और चक्रियाँ भी मिली हैं। सबसे ज़्यादा जो मिट्टी की मूर्तियों में पाया गया है मातृ देवी की प्रतिमाएँ बहुत ज़्यादा मिली हैं। इससे लगता है कि वहाँ पर लेडीज़ की पूजा ज़्यादा होती थी। इन यहाँ पर कालीबंगर और लोथल में भी नारी की मूर्तियाँ मिली हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो मूर्तियाँ मिली हैं वो उन दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिला है। मतलब इंडिया में जो मूर्तियाँ मिली हैं और जो पाकिस्तान में मूर्तियाँ मिली हैं उन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पाया गया है। मूर्तियों के बाद हम बात करेंगे मुद्राओं की। तो मुद्राएँ जो हैं वो हजारों की संख्या में मिली हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आम तौर पर सेलखड़ी की बनी है। मट यहाँ पर गोमेद की, चकमक पत्थर की, तांबे की, कांसे की और मिट्टी की भी यहाँ मुद्राएं बनाई गई हैं। इन मुद्राओं को तैयार करने का जो मुख्य उद्देश्य था ऑब्वियस है वाणिज्य ही था, क्योंकि व्यापार करने के लिए ही ज़्यादातर मुद्राओं का प्रयोग किया जाता था। बट कहीं कहीं देखा गया है कि कुछ लोग बाजूबंद के तौर पर ही इन मुद्राओं को पहनते थे, और बाजूबंद के तौर पर पहनने का इनका मुख्य उद्देश्य हो सकता था। जैसे आजकल के लोग पहचान पत्र रखते हैं वैसे ही वो लोग बाजूबंद के तौर पर पहन के वो उनका पहचान पत्र होता था। हड़प्पा की जो मानक मुद्रा है वो 2x2 मतलब 2x2 की इंच की वर्गाकार होती थी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं इस टाइप की थी, वर्गाकार होती थी और ये सेलखड़ी की बनी होती थी। इस पर सींग वाले सांड होते थे, गैंडा, हाथी, जंगली भैंसा, बकरी, इन सब की पशुओं की आकृतियाँ बनी होती थी इन मोहरों पर। ये जो प्रत्येक मुद्रा होती थी इनमें चित्रात्मक लिपि खुदी होती थी, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो ये एक आकृति बनी हुई है और ये चित्रात्मक लिपि है, ये 3 words लिखे हैं, लेकिन ये अभी तक पढ़े नहीं जा चुके हैं सके हैं किसी के भी द्वारा। इसके अलावा यहाँ तांबे की वर्गाकार और आयताकार पट्टियाँ भी मिली है, जिनमें एक ओर मानव आकृति है और दूसरी ओर कोई अभिलेख लिखा है या दोनों ओर कोई अभिलेख लिखा है, ऐसा भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। कुछ मुद्राएं हाथी दांत की भी यहाँ पाई गई हैं। और सबसे उल्लेखनीय मुद्रा है जिसके केंद्र में एक मानव आकृति और उसके चारों ओर कई जानवर बने हुए हैं। इस टाइप की मुद्राएँ बहुत मतलब उल्लेखनीय हम कह सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये जो मुद्राएं हमें मिली हैं ये सारी मिली हैं 2500 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच की, मतलब कि हम लोग ये कह सकते हैं ये हड़प्पा काल की मुद्राएं मिली हैं अच्छे से। अब आगे हम बात करेंगे मृदभांड के बारे में। तो सिंधु घाटी में जो पाए गए हैं वो मिट्टी के बर्तन वो अधिकतर कुम्हार की चाक पर ही बनाए गए, मतलब चाक पर ही मिट्टी के बर्तन बनाए हुए मिले। हाथ से जो बर्तन बने हैं बहुत ही कम मिले हैं।
जो सिंधु घाटी में मिले हैं। और यहाँ पर जो बर्तन मिले हैं उन पे काले रंग के बर्तनों पर लाल रंग की सुंदर परत चढ़ाई गई है, और जिसपे चमकीले काले रंग से ज्योमेट्रिकल शेप और पशुओं की डिजाइन बनाई गई है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, ये चीजें यहाँ ज्योमेट्रिकल शेप है और किसी किसी में पशुओं की डिजाइन भी बनाई है। कुछ छोटे छोटे कलश प्राप्त हैं जिन पर लाल, हरे और कभी कभार सफेद और पीले रंगों की भी ज्योमेट्रिकल आकृति यहाँ बनी है। और ये छिद्रित पात्र जैसा आप देख सकते हैं, ये इसमें एक बड़ा छिद्र बर्तन के तल में होता था, इसके जो बैक है उसमें एक बड़ा छिद्र होता है, तो और इसकी चारों दीवारों पे आप छोटे छोटे छिद्र देख सकते हैं। तो इस टाइप से छिद्रित पात्र भी मिले। और इसको बनाने का रीज़न ये हो सकता है कि ये कोई चीज़ छानने के काम आता होगा उस टाइम में। अब इसको उस टाइम के लोग ही जाने कि इसे किस लिए बनाया था उन लोगों ने, बट जैसे कि लोगों ने रिसर्च की तो उससे पता चलता है कि कोई अनाज या कोई चीज़ छानने के ये काम आता था। चलिए आगे बात करते हैं आभूषण के बारे में। तो कैसे आभूषण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से? तो आभूषण जो मिले हैं बहुमूल्य रत्नों से लेकर हड्डियों और पकी हुई मिट्टी तक के मिले हैं। मतलब कि हाई कास्ट भी, जिसको हाई, जिसकी लेवल है हाई, जो ज़्यादा अच्छे स्तर पे था उस समय, पैसा ज़्यादा कमाता था उस टाइप से लेकर, और जो मजदूर श्रेणी के लोग थे जो मिट्टी के आभूषण पहनते थे उस टाइप के आभूषण दोनों मिले हैं, जिसमें गले के हार मिले हैं, फीते, बाजूबंद, अंगूठिया, ये जो इस टाइप के आभूषण है ये स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे समान रूप से। ऐसे ही हरियाणा के फरमाना पुरास्थल पे कब्रिस्तान मिला है, और जहाँ से मिला है कि शवों के साथ साथ आभूषण भी दफनाए गए हैं। तो शव तो गल गए हैं बट जो आभूषण है वो एज इट इज हमें वहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा तांबा, कासा, सोने जैसी धातुओं और शंख, सीपियों, पक्की मिट्टी भी मनको बनाने के काम आती थी, और इन्हीं मनकों से ही आभूषण बनाए जाते थे। आप देख सकते हैं छोटे छोटे मन के टाइप में यहाँ बनाए गए हैं, तो इन्हीं मनकों को एक साथ पिरो के आभूषण का निर्माण किया जाता था। मन का जो आकार होता था मनकों का, वो होता था तस्तरी नुमा, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार, इस टाइप से इनके आकार होते थे। तो ये जो मैं बताती जा रही हूँ इसको मैंने सिर्फ पॉइंट्स में दिया है आप लोगों को, डिस्क्राइब आपको करना है पूरा अपने शब्दों में, और बहुत ही इजी है। बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कहाँ किस टाइप की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। आगे बात करेंगे चहुंदड़ो और लोथल में मनके बनाने के उद्योग जो हैं वो काफ़ी विकसित पाए गए हैं। मनके जो बनाए जाते थे वो कानलियन, जमुनिया, शूर्यकांत, स्फटिक, सेलखड़ी, फिरोजा, लाजवर्त, मणि आदि, इन सब के बनाए जाते थे मनके। अब हम देख लेते हैं और भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जो और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमें मिली हैं सिंधु घाटी सभ्यता थे उसके बारे में। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो साज सिंगार और फैशन के प्रति जागरूक भी थे। केश सज्जा मतलब बालों की सजावट के बारे में उन्हें भिन्न भिन्न शैलियाँ पता थी। पुरुष जो थे वो दाढ़ी मूछ रखते थे, जैसा कि आप मूर्तियाँ देख सकते हैं, जो आपके दाढ़ी वाले पुरुष की मूर्तियाँ मिली है उसमें दाढ़ी मिली है, तो इससे पता चलता है कि वो लोग दाढ़ी मूछ भी रखते थे। स्त्रियां जो थी वो सुंदर दिखने के लिए सिंदूर का, काजल का और लिपस्टिक का यूज़ करती थी, और चेहरे पे लेप लगाती थी। मतलब जैसे आज फेशियल बहुत ज़्यादा लोगों के निगाह में है, वैसे ही उस समय भी सुंदर दिखने के लिए चीज़ों का यूज़ किया जाता था। सिंधु घाटी के जो कलाकार थे और शिल्पकार थे अनेक क्षेत्रों में पारंगत थे। जैसे कि हमने पूरे क्षेत्रों की यहाँ बात कर ली है, ऊपर एक एक करके धातु का ढलाव करते थे, पत्थरों पर नक्काशी करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, उन्हें रंगते थे, जानवरों, पौधों और पक्षियों का साधारण रूप से लेकर टेराकोटा मतलब कि मिट्टी के द्वारा इनका निर्माण करते थे। ये इनका मुख्य व्यवसाय था, मुख्य कार्य था। सिंधु घाटी के लोग अपने घरों के निर्माण में पत्थरों का यूज करते थे, तो ये भी एक नई शिल्प कला के बारे में हमें बताता है। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकुए, तकुए होता है जैसे चरखे होते हैं ना, गांधी जी चरखे चलाते थे वैसे ही तकुए होते हैं, तो तकुए और चक्रियां भी मिली है। इससे पता लगता है कि उन दिनों कपास और ऊन की कताई बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। पुरुष और स्त्रियां दोनों ही धोती और शॉल जैसे अलग अलग वस्त्रों को पहनते थे, तो इन्हीं से बनाई जाती थी तकुओं से, कपास से, ऊन से धोती और शॉल, और उसको यूज़ किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के द्वारा। तो आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में एक एक चीज़ देखी कि मोहरे कैसी होती थी, मूर्तियाँ कैसी होती थी, कांसे की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ, मिट्टी की मूर्तियाँ, आभूषण कैसे होते थे, इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी ली। और इसको आप अब मेंस में कैसे भी फैक्ट आए या फिर मेंस में
पूरा प्रॉपर एक क्वेश्चन आए तो कैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, आप इस पे मुझे दो चार लाइनें आंसर राइटिंग करके लेना देना कमेंट बॉक्स में कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कला प्रेमी थे, आप इसे कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो इसके बारे में क्या आप आंसर राइटिंग में मेन पॉइंट्स क्या दोगे। पूरा आंसर तो नहीं दे सकते, अगर दे सकते हैं आप आंसर अपनी कॉपी में लिख के उसे फोटो कमेंट बॉक्स में अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप वहाँ पे दो चार पॉइंट्स ही मुझे बताओ कि आप लोगों को मेरे इस लेसन से समझ में आया या नहीं आया और इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे सकते हो। और हम लोग आंसर राइटिंग भी करेंगे, बस जल्दी से सिलेबस ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।